अलीगढ़ी दुष्कर्म कांड, गिरफ्तार आरोपियों की संख्या हुई 5, एक अभी भी फरार। डीएसपी की निगरानी में पुलिस ने एसआईटी का गठन किया, जो जल्द से जल्द जांच करके आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट की मदद से सजा दिलवाने का काम करेगी। नई गढ़ी दुष्कर्म कांड, गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 5 हुई, एक अभी भी फरार। डीएसपी की निगरानी में पुलिस ने एसआईटी का किया गठन, जो जल्दी से जल्दी जांच करके आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट की मदद से सजा दिलाने का काम करेगी। जी हां, नई गढ़ी दुष्कर्म कांड में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 5 हो गई है। 2 आरोपी मुंबई से पकड़े गए, एक अभी भी फरार। रीवा के गलियारों में पिछले 3 दिन से नई गढ़ी थाना अंतर्गत माँ अष्टभुजी मंदिर के पास हुए दुष्कर्म की गूंज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। रीवा पुलिस ने डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया, जो जल्द से जल्द पूरे मामले की तफ्तीश करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश करके आरोपियों को सजा दिलाने का काम करेगी। रीवा में नई गढ़ी में हुए दुष्कर्म कांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद रीवा से मुंबई भाग गए। पुलिस ने इनको ट्रेस किया, मुंबई पुलिस की मदद से इनको गिरफ्तार किया। रीवा से टीम भेजी इनको लाने के लिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की माने तो टीम इनको लेकर लौट रही है, अभी रास्ते में है। एक आरोपी की गिरफ्तारी अभी बाकी है, वह अभी फरार है। पुलिस जल्दी से जल्दी उसको पकड़ने की बात कह रही है। 3 आरोपियों को तो तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था, 2 आरोपियों को जो है मुंबई से अभी रक्षा में लिया गया है, वो रास्ते में आ रहे हैं। उनसे भी जो है पूछताछ करके उनसे साक्ष्य जो है वो उनके निशादेही को बरामद होकर, और एक आरोपी के लिए अभी टीम रवाना है, जो एक शेष बचा हुआ है उसको भी जल्द हम पकड़ लेंगे। आरोपियों के मकानों को ध्वस्त किया गया है, इसमें लगभग 3 आरोपियों के मकान ध्वस्त है, बाकियों की कार्रवाई जो है निरंतर जारी है। इसके लिए एक महिला सुरक्षा डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम बनाई गई है, जिसमें निश्चित समय अवधि में इसकी विवेचना पूर्ण कर ली जाएगी और सभी आरोपियों के विरुद्ध जो है अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा, और ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो है फास्ट ट्रैकिंग करा के न्यायालय में भी विचारण करा के माननीय न्यायालय से आग्रह करके उनका भी जो है निर्णय कराया जाए, ताकि उनको सख्त सजा तुरंत मिल सके और समाज में एक सकारात्मक मैसेज जाए और इस तरह की जो साहस करने वालों जो है नसीहत। सर, जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं वो पुलिस उन तक कैसे पहुंची, कहां भागने की फिराक में थे? एक्चुअल में 2 आरोपी जो है घटना के बाद जब पुलिस सक्रिय हुई तो वो भाग गए, और उनकी रिश्तेदार जो है मुंबई में काम करते हैं तो मुंबई भाग गए इलाहाबाद से। हमारी एक टीम जो है बच्ची की दस्तयाबी के लिए ऑलरेडी उस महाराष्ट्र एरिया में भ्रमण में थी, हमने तत्काल जो है उसे एक्टिवेट करके उनके पहुंचने के पहले ही पुलिस उनके गंतव्य स्थान पर पहुंच गई और उसको अभिरक्षा में भी